समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम अखिलेश यादव ने भदोही की चुनावी रैली में विवादित बयान दे डाला। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं, ऐसे लोगों से आप पैसे तो ले लेना मगर वोट साइकिल को ही देना। सुना है कि बहुत पैसा बट रहा है, पैसा भी रख लेना और साइकिल को याद रखना। हम भदोही के लोगों को, बुनकर भाइयों को और गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि ये सरकार में हमने गरीबों के लिए काम किया। बता दें कि इस तरह के बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर भी दे चुके हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस भी मिला था। भदोही जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव में पैसे बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने ज्ञानपुर विधानसभा में विरोधियों पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। वहीं इस आरोप के बाद प्रशासनिक अमला सकते में आ गया है। ज्ञानपुर के जीआईसी के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां से चुनाव लड़ रहे हमारे प्रत्याशी को आपकी सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि सुनने को मिल रहा है चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि पैसे ले लेना लेकिन ऐसे लोगों को वोट मत देना। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।